क्या आप लोगों ने द कराटे किड मूवी देखी है जो रिलीज हुई थी 1984 में। मैं 2010 जैकी चैन और जेडन स्मिथ की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1984 में आई द कराटे किड मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद इस फ्रेंचाइज में बहुत सारी आपको मूवीज़ देखने को मिली थी। खैर अभी उसका डिस्कशन हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जिस सीरीज़ का हम लोग यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं कोबरा काई, वो सीधा सीधा कनेक्टेड है द कराटे किड मूवी से। हमारे इंडिया में कोबरा काई ये पर्टिकुलर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका अभी थर्ड सीज़न रिलीज़ हुआ है, तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे कि यार सीज़न 3 देखकर मुझे कैसा लगा और क्यों आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यार बात करेंगे कोबरा काई सीरीज की, तो इसमें आपको टोटल 3 सीजन्स देखने को मिले जिसमें ऑलमोस्ट 30 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड 22 मिनट से लेके 39 मिनट्स के बीच में ही। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये शो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। शो आप 2 दिन में ख़त्म कर लोगे, इनफैक्ट 2 नहीं 1.5 दिन में ख़त्म कर दोगे क्योंकि एपिसोड्स की लेंथ ज़्यादा नहीं है और उसके अलावा शो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बार स्टार्ट करोगे तो ख़त्म करके ही मानोगे। खैर अब बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो कहानी एग्जैक्ट कराटे किड मूवी के बाद शुरू होती है जहाँ पर डैनियल ने जॉनी को डिफीट कर दिया था। लेकिन अब ऑलमोस्ट 34 साल हो चुके हैं लेकिन डैनियल लरूसो अब एक बड़ा ऑटो डीलर बन चुका है। और अगर जॉनी की बात करें तो जॉनी की लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई है, यानी कि इसकी शादी भी हो गई है, बच्चा भी है, लेकिन और समझ लो जॉनी की लाइफ में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब जॉनी की मुलाकात होती है एक स्टूडेंट से जिसका नाम है मिगेल। अब मिगेल के आने के बाद क्या कुछ होता है कहानी में और कैसे फिर दूसरे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फिर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कोबरा काई। की चीज बोलूंगा कि अगर सीजन 1 18 था तो सीजन 2 20 था और सीजन 3 25 है। कहानी एकदम सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट सीजन से आप लोग देखो और एग्जैक्ट जहाँ पर सीजन 1 ख़त्म होता है एग्जैक्ट वहीं से सीजन 2 शुरू होता है और जहाँ पर सीजन 2 ख़त्म होता है वहीं से एग्जैक्ट सीजन 3 शुरू होता है। तो इसलिए ज्यादा यहां पर आपके दिमाग का बोझ नहीं होने वाला है, बस आप लोग फुल टू एंजॉय करोगे। शो में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। कुछ कैरेक्टर आपको स्टार्टिंग में लूल महसूस हो गए लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सीरीज वैसे वैसे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही गजब की है, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि पूरे शो में आपको अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगे और जो मूव्स है और जिस तरह से उन सारी चीज़ों को पिक्चराइज किया ना भाई, गूज़बम्स आते हैं देखकर। और सच बताओ तो मुझे 2 का एपिसोड 10 वो इतना गजब का लगा था कि उसके बाद से ही मैं सीजन 3 का वेट कर रहा था। और सीजन 2 में जो जो चीज़ें देखने को मिली वो एक अलग ही लेवल की थी और वो आज भी यादगार है। शो में जो लोकेशंस बताए और जिस तरह से उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया ना भाई, जो टीनेजर से या जो लोग कराटे वाली मूवीज या इस तरीके की सीरीज देखना पसंद करते ना, तो उनके लिए किसी ट्रीट से कम है नहीं ये पर्टिकुलर सीरीज। क्या शो में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और कुछ कुछ ऐसे हिम्मत हिंदी में देखा हो तो कुछ कुछ डायलॉग ऐसे थे जो लिटरली मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। और साथ साथ इस शो में आपको लव भी देखने को मिलेगा और एक्शन तो भरपूर है ही। और साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो ये कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हो या किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तो वो चीज़ घूम कर आती है आपकी तरफ, तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। शो का जो BGM है वो मेरा पर्सनली दिल जीत लिया, यानी कि जब आप किसी फाइट सीन को देख रहे हो तो उसमें जो BGM बज रहा है ना, हर एक सीन में आपको अलग BGM सुनने को मिलेगा, तो मतलब एक अलग ही थ्रिल आप में पैदा करता है। और पता नहीं यार पर्टिकुलर वो एक कॉमन सा सीन है, अगर आप लोग उसको BGM के बिना देखोगे तो वो एकदम कॉमन सा लगेगा, मतलब उसको ऐसे लगेगा कि यार हमने इससे पहले बहुत सारी मूवीज़ में इस तरह के सीन्स को देख चुके, लेकिन वो जो उसका BGM है ना वो पता नहीं वो सीन को कहीं और ही लेके चले जाता और आपकी नज़र बस कंटिन्यूस उस स्क्रीन पर रहती है। और यहाँ पर ये सीरीज़ बाजी मार देती है। उसके अलावा शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार हर एक एक्टर ने काफ़ी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो ओल्ड कैरेक्टर्स हो जो हमें कराटे किड मूवी में देखे थे, चाहे वो लोग हो या नए एक्टर्स हो, सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। और ये एक्टर्स ही है जिसकी वजह से आप लोग ये शो को और भी इंटरेस्टिंग से देखते हो। साथ ही शो की कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और एडिटिंग बहुत ही बढ़िया की गई, यानी कि बेमतलब के एपिसोड्स को बड़ा नहीं किया, जितना एपिसोड्स होना चाहिए बिल्कुल उतना ही रखा गया और वही अच्छी भी बात है यार। फालतू के अगर आप लोग सीन्स
डालो, चीज़ों को ड्रैग करो, तो वो मज़ा कहीं ना कहीं खो जाता है। और जहाँ पर सीजन 3 अभी ख़त्म हुआ है वहाँ से तो मैं आपको इतना ही हिंट दे सकता हूँ कि कुछ और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है और खेल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो इसीलिए सीजन 4 तो हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब वो कब देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा, उससे पहले तो मुश्किल है भाई। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें, ये शो में किसिंग सीन्स है तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि भाई ये फैमिली के साथ देखना है कि नहीं, लेकिन मैं तो एडवाइस दूंगा कि भाई ये टीनेजर्स और एडल्ट्स लोगों के लिए बनाया गया शो है, तो यार वही देखे तो ज़्यादा बेटर है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त शो है, इंटरेस्टिंग शो है, मैं पर्सनली कहीं पर भी बोर हुआ नहीं, तो इसलिए मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। मगर आप लोग इसको कितना रेटिंग दूंगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको ये शो कैसा लगता है वो भी मुझे बता देना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, बाय।